हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स। आई विल कवर ऑल द टॉपिक्स पार्ट वाइज, सो टुडे लेट स्टार्ट पार्ट वन। आज हम देखेंगे क्लास सेवन के चैप्टर सिक्स को, ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स, जो आपका ये पार्ट वन है। ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स के बारे में आपको हम बता दें, उसमें होता क्या है। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन रेशनल नंबर। किस तरह से हम लोग ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशंस ऑफ रेशनल नंबर। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, एडिशंस ऑफ रेशनल नंबर्स। आज हम देखेंगे एडिशंस ऑफ रेशनल नंबर। हम लोग रेशनल नंबर में एडिशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। चलिए उसको हम देखते हैं। केस फर्स्ट है आपका, केस फर्स्ट में हम लोग देखते हैं क्या होता है। व्हेन डेनोमिनेटर आर सेम देन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। जब डेनोमिनेटर आपका सेम रहता है तो हम लोग दो स्टेप को देखते हैं। चलिए उसको देखते हैं। व्हेन डेनोमिनेटर्स आर सेम देन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। स्टेप्स, जो पहला स्टेप आपका होता है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि डेनोमिनेटर आपका पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर डेनोमिनेटर निगेटिव है तो सबसे पहले हम लोग उसको क्या करते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। आपने इससे पहले वाले चैप्टर में भी देखा था कि जब डेनोमिनेटर निगेटिव होता था तो हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे माइनस वन से नोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों में, तो जाके क्या होता था, डेनोमिनेटर पॉजिटिव होता था। तो सबसे पहले हम लोग यही करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट है आपका चेक विद द डेनोमिनेटर नेटर इज पॉजिटिव और नॉट। If it is negative, make it positive by multiplying the numerator and denominator by माइनस वन। वही मैंने बोला है कि माइनस वन से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है स्टेप आपका एड द numerators and write the common denominator। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं
तो बाई चांस आपका डेनोमिनेटर अगर सेम रहता है, नीचे में डेनोमिनेटर अगर सेम रहता है तो डेनोमिनेटर को हम लोग आसानी से कॉमन ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, इफ ए बाई बी एंड सी बाई डी, ए बाई बी और सी बाई डी आर टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर ले लिए हम यहाँ पे, रेशनल नंबर। देन अब हमको इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो इसको हम लोग ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं a बाई बी प्लस c बाई बी, यहाँ हम लोग लिख दिए a बाई बी और c बाई बी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डेनोमिनेटर सेम है तो डेनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कॉमन हो गया। तो क्या हो जाएगा, डेनोमिनेटर कॉमन हो गया और ऊपर वाला क्या होगा, जुड़ जाएगा a प्लस सी। इस तरह से हम लोग ये फर्स्ट स्टेप को, हम लोग देखे हैं कि जब डेनोमिनेटर अगर सेम रहता है तो हम लोग क्या, डेनोमिनेटर कॉमन ले लेते हैं और उसको हम लोग ऐड आसानी से कर सकते हैं। या अगर आपको कॉमन भी लेना है, अगर देख सकते हैं तो इस दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, बी होगा। बी का, बी को हम लोग अगर डिवाइड देते हैं बी से तो क्या होता है, वन से आता है, वन को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए ही आ जाएगा। उसी तरह इसको भी करेंगे तो सी आ जाएगा, तो ए प्लस सी बाई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब केस टू, केस टू में क्या देखते हैं कि डेनोमिनेटर डिफरेंट होता है। तो जब डेनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो इसका मतलब हमको डेनोमिनेटर का क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, डेनोमिनेटर का हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलिए उसको हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए ऐड, अगर डिफरेंट डेनोमिनेटर होगा तो सबसे पहले हम लोग ऐड करते हैं। देखिए 2/7 एंड 5/4, अब इसको हमको ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए 2/7 प्लस 5/4, तो हमको बोला जा रहा है कि इस दोनों का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 7 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 7 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 28 है पर होगा 4 बार। अब 4 को इससे क्या कर देंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 × 4 प्लस, फिर 4 को इसका कितना बार पढ़ेंगे, पढ़ते हैं तो 28 आता है 7 से, 7 को हम लोग क्या करते हैं इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 5 × 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 + 35 बाई 28। जब हम इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है, 43/28 इक्वल टू, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ हम तोड़ के दिखा देते हैं, 28 × 1 = 13 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 15, तो हो जाएगा 1 = 15/28। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया। इस तरह से हम लोग एडिशन करते हैं। देखिए यहाँ डिफरेंट था, अगर सेम होता है, यहाँ पर सेम वाला भी देख सकते हैं, 2/5 दे दीजिए एंड 3/5, तो यहाँ आसानी से सॉल्व हो सकता है, 2/5 + 3/5, तो सिंपल है, बोल रहा है कॉमन ले लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 + 3 तो कितना हो गया, 5/5, कैंसिल करना है तो क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आप इसको ला सकते हैं तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हम कर दिए। इस तरह से हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए, जब माइनस आता है ऐड में तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे -2/3 एंड 4/-5, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया है कि 4/-5, तो हमको बोलता है डेनोमिनेटर को क्या करना होता है, हमको पॉजिटिव करना पड़ता है, 2/3 एंड 4/-5 × -1 × -1, तो हो जाएगा -4/5। अब आसानी से हम लोग इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो 3/5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। थ्री का टेबल हम पढ़ेंगे कितनी बार में आएगा, 5 बार में, तो ऊपर से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × -5 + 5, फिर 5 का टेबल कितना, 3, ऊपर से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 × 3, अब यहाँ कितना हो जाएगा -10 प्लस यहाँ हो जाएगा -12, ठीक है, अब बाई
15, तो इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाता है माइनस 10, अब प्लस माइनस माइनस 12 बाय 15, जब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस 22 बाय 15। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी आप चेंज कर सकते हैं, आसानी से ये चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द फर्दर टॉपिक्स। थैंक यू।